दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा 2020 के बेस वेरिएंट, मतलब कि LXI वेरिएंट को हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा की नेक्सॉन के बेस वेरिएंट XE के साथ में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मारुति की विटारा ब्रेजा 2020 फेसलिफ्ट को अभी लॉन्च किया गया है और टाटा की नेक्सॉन फेसलिफ्ट को भी अभी लॉन्च किया गया है। दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर मिल जाते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट में मिलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट कार न्यूज रिव्यूज कंपैरिजन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस दी गई है। यहाँ पर अगर हम ब्रेजा की लंबाई की बात करें तो 2 mm ज्यादा है और टाटा नेक्सॉन की चौड़ाई 21 mm ज्यादा है और हाइट मारुति ब्रेजा की 34 mm ज्यादा है। व्हील बेस भी यहाँ पर आपको ब्रेजा में 2 mm ज्यादा मिल जाता है, मतलब कि लगभग बराबर ही देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको ब्रेजा के अंदर मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, पावर मिलती है 103 bhp और टॉर्क मिलता है 138 Nm का, माइलेज यहाँ पर आपको मिल जाता है 17.3 kmpl का। वहीं अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन के इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, पावर यहाँ पर आपको मिलती है 118 bhp और टॉर्क यहाँ पर आपको मिलता है 170 Nm का। यहाँ पर आपको पावर और टॉर्क दोनों ही टाटा की नेक्सॉन में यहाँ पर आपको ज्यादा मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट की प्राइस दी गई है। यहाँ पर LXI वेरिएंट वो मिलता है आपको 7.4 लाख में और जबकि टाटा नेक्सॉन का बेस वेरिएंट मिल जाता है आपको 6.95 लाख के अंदर। मतलब कि ब्रेजा का जो बेस वेरिएंट है वो आपको 39,000 महंगा मिलता है टाटा की नेक्सॉन के बेस वेरिएंट से। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलने वाले बूट स्पेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको ब्रेजा में मिलता है 328 लीटर का बूट स्पेस और टाटा की नेक्सॉन में मिलता है आपको 350 लीटर का बूट स्पेस। मतलब कि टाटा की नेक्सॉन में आपको 22 लीटर का बूट स्पेस भी ज़्यादा मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ब्रेजा में आपको मिलती है 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और नेक्सॉन में आपको मिलती है 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले टायर साइज के बारे में। तो ब्रेजा में आपको मिलता है 205/16R16 के टायर और टाटा नेक्सॉन में आपको मिलता है 195/60R16 के टायर। मतलब कि दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में यहाँ पर आपको 16 इंच के टायर मिल जाते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के बारे में। मतलब कि अगर आप टाटा नेक्सॉन का बेस वेरिएंट खरीदते हैं या फिर मारुति ब्रेजा का बेस वेरिएंट खरीदते हैं, तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर ऐसे कौन से फीचर है जो कि दोनों में सेम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर 2 फ्रंट एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, सीट बेल्ट वार्निंग यहाँ पर आपको दोनों ही वेरिएंट में मिलती है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मतलब कि ABS यहाँ पर आपको मिल जाता है, EBD भी यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में मिलता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहाँ पर आपको मिलता है, रियर पार्किंग सेंसर भी यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। कुछ और फीचर्स के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ी के अंदर मैनुअल एयर कंडीशनर मिलता है बेस वेरिएंट के अंदर, टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ी को बेस वेरिएंट में मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ पर आपको फ्रंट में मिल जाता है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, 10 इंडिकेटर जो भी यहाँ पर आपको ORVM पर ही मिल जाते हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। मतलब कि दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे और LED टेल लाइट भी यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं टाटा नेक्सॉन के ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि आपको टाटा नेक्सॉन में ही मिलेंगे लेकिन ब्रेजा के अंदर वो फीचर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन में सेफ्टी के हिसाब से ब्रेक असिस्ट मिल जाता है जबकि मारुति ब्रेजा में यह नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल का फंक्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का फंक्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। मतलब कि सेफ्टी से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको 4 एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है जबकि आपको ब्रेजा के अंदर सिर्फ सिंगल टोन मतलब कि ब्लैक कलर का इंटीरियर देखने को मिलता है, हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्रंट एंड रियर का, ब्रेजा में यहाँ पर आपको सिर्फ फ्रंट हेडरेस्ट मिलता है बेस वेरिएंट के अंदर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको मिल जाता है टाटा नेक्सॉन के अंदर, ड्राइव मोड यहाँ पर आपको मिल जाता है इको सिटी एंड स्पोर्ट्स और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी यहाँ पर आपको मिल जाती है टाटा नेक्सॉन के अंदर। ये सभी फीचर है जो कि आपको टाटा नेक्सॉन में मिलेंगे लेकिन ब्रेजा के अंदर नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि आपको मिलते हैं सिर्फ मारुति सुजुकी की ब्रेजा के बेस वेरिएंट में जबकि आपको टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में ये सभी फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मारुति ब्रेजा के बेस वेरिएंट में फ्रंट एंड रियर पावर विंडो मिल जाती है जबकि आपको टाटा नेक्सॉन में सिर्फ फ्रंट पावर विंडो मिलती है, रियर पावर विंडो नहीं मिल पाती है। 2D का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्रेजा के बेस वेरिएंट से ही,
फोर स्पीकर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और उसी के साथ यहाँ पर आपको ब्लूटूथ ऑक्स FM AM जैसी सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में भी काफी ज्यादा फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड भी काफी एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं और कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि यहाँ पर आपको मारुति ब्रेजा के बेस वेरिएंट में सिर्फ म्यूजिक सिस्टम और ऑल फोर पावर विंडो ही मिल पाती हैं, जबकि यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन की प्राइस भी कम मिलती है और मारुति ब्रेजा की प्राइस भी आपको ज्यादा मिलती है और फीचर्स कम मिलते हैं। अगर दोस्तों आप इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में से किसी एक को कंसीडर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली टाटा नेक्सॉन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि टाटा नेक्सॉन में यहाँ पर आपको ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और उसके अलावा भी कई सारे ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर यही जानकारी थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए।